एपिसोड की शुरुआत में स्पोर्ट डे आ गया होता है एंड अभी भी सभी लोग इस पर काम कर रहे होते हैं। तभी साइका माकी को क्लास 16 ने अभी तक अपना रोस्टर सबमिट नहीं किया है उसके बारे में पूछने को भेजती है एंड फिर यूसे कहती है कि लास्ट ईयर हमने जो ट्रेनर यूज किया था वो लेके आओ एंड यू कहती है कि वो स्टोर रूम में होगा तो मैं अभी उसे लेके आती हूँ एंड वो जा रही होती है। तभी उससे कोई पूछता है कि ननामी कहाँ पर है एंड यू कहती है कि ननामी टीचर के साथ मीटिंग में है अभी। तो थोड़ी देर बाद आगे वो स्टूडेंट काउंसिलिंग में खुद ननामी से मिल ले एंड आगे अब ये जा रही होती है। तभी कुछ लड़के कहते कि क्या हम यहाँ पर रिले रेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड यू कहती है कि ठीक है लेकिन चलने वाले रास्ते पर मत करना इससे प्रॉब्लम हो सकती है एंड ये भाग रही होती है। रोमन में कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि स्पोर्ट डे पर इतना सारा काम करना पड़ेगा एंड फिर ये स्टोर रूम में पहुँचती है एंड बैनर ढूंढने लग जाती है। बैनर ढूंढते हुए वो सोचती है कि हम इतने बिजी हो गए हैं कि मुझे ननामी से बात करने का चांस भी नहीं मिला है एंड फिर उसे बैनर मिल जाता है एंड वो लेके जाने वाली होती है। तभी यहाँ पर ननामी आ जाती है एंड उसे स्टोर रूम में धकेल देती है। फिर वो स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर देती है एंड यू के काफी नजदीक आ जाती है। फिर यू कहती है कि तुम कर क्या रही हो एंड ननामी कहती है कि मुझे रिचार्ज करो। फिर ननामी यू को किस कर लेती है एंड यू कहती है कि तुम होपलेस हो। फिर ननामी कहती है कि कम ऑन हमें इन सब में टाइम ही नहीं मिलता है खुद के लिए। फिर यू कहती है कि तुम्हारा हो गया एंड ननामी कहती है कि अभी नहीं एंड वो फिर से यू को किस कर लेती है एंड यू उसे दूर करते हुए कहती है कि आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है हमने बहुत ही कर लिया है एंड वैसे भी साइका मेरा इंतजार कर रही है एंड मुझे वापस भी जाना है। फिर ननामी कहती है कि ठीक है स्पोर्ट डे खत्म होने तक मैं अच्छे से बिहेवियर करूंगी बदले में तुम्हें मुझे एक रिवॉर्ड देना होगा तुम्हें मुझे किस करना होगा एंड फिर यू कहती है कि तुम मुझे किस करो या फिर मैं तुम्हें किस करो इसमें फर्क क्या है एंड ननामी कहती है कि फर्क है एंड फिर यू कहती है कि ठीक है तुम्हें अपने आप को स्पोर्ट डे खत्म होने तक होल्ड करना होगा। आगे स्पोर्ट इवेंट शुरू हो गए होते हैं एंड कई सारी गेम शुरू होती है यहाँ पर। फिर यू भाग रही होती है एंड आखिरी एंड टमाए उसे चीयर अप कर रहे होते हैं। बाद में यू डोंजिमा के पास जाती है एंड उससे पूछती है कि आगे उन्हें क्या करना है। फिर डोंजिमा बताता है कि उन्हें स्वेड रिले में पार्टिसिपेंट भी करना है एंड फिर ये डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अकारी आ जाती है। फिर डोंजिमा कहता है कि यू तुम उसे जानती हो एंड यू उसे बताती है कि वो उसकी मिडिल स्कूल की फ्रेंड है एंड फिर अकारी यू को गुड लक कह के यहाँ से चली जाती है एंड डोंजिमा भी उसके साथ जाता है। फिर ये दोनों टमायो के पास पहुँचते हैं एंड डोंजिमा कहता है कि कैसी हो कनाओ एंड अकारी कहती है कि तुम एक दूसरे को जानते हो क्योंकि तुम कल्चरल स्टेज शो में एक साथ हो है ना। डोंजिमा कहता है कि स्क्रिप्ट कैसी है। कमायो कहती है कि इसमें एक पार्ट है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। डोंजिमा कहता है कि तुम चाहो तो स्टूडेंट काउंसिलिंग में आ सकती हो क्योंकि जितनी लड़कियां ज़्यादा होंगी उतना ही अच्छा होगा एंड आखिरी उसे अजीब तरह से देखने लग जाती है एंड कमायो कहती है मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा कैरेक्टर मुझे सच में चेंज करना होगा। डोंजिमा कहता है कि क्या मतलब एंड फिर कमायो कहती है तुम ननामी के कैरेक्टर के बारे में कुछ बता सकती हो एंड डोंजिमा कहता है कि तुम कोतो से क्यों नहीं पूछती। ये बताते कि उसने पूछा था लेकिन उससे उसे कुछ भी पता नहीं चला था एंड यू को ननामी की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी लगती है एंड डोंजिमा कहता है कि फिर तुम उसकी रेपुटेशन पर कुछ क्यों नहीं लिखती एंड कमायो कहती है कि मुझे कुछ डिफरेंट लिखना है वो भी उसके कैरेक्टर के बारे में एंड अकारी कहती है कि सुन के कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लगती लेकिन सुन के लगता है कि डिफ़िकल्ट है। हुआ अगर प्रेसिडेंट के बारे में कुछ भी लिखने जैसा नहीं है लेकिन तुम इससे क्यों नहीं सोचती कि बाहर के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर कमायो कहती है कि इससे तो ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर वो सोचती है कि शायद उसके रियल कैरेक्टर के पॉइंट्स के बारे में कोई भी नहीं जानता है एंड उसके बारे में सोचने लग जाती है। आगे माकी एंड यू दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी यू के मुँह से निकलता है कि हमारी सेनपाई काफ़ी बिजी रहती है इन सब की वजह से। फिर माकी कहता है कि तुम्हें अकेला नहीं लगता क्योंकि हमारी सेनपाई के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अभी तुम्हारे लिए एंड यू पानी पीते पीते खांसने लग जाती है एंड फिर माकी से कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ननामी के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है एंड फिर माकी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम दोनों एक दूसरे को किस भी नहीं करते होगे।
वीडियो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मुझे उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, असल में मैं किसी को प्यार ही नहीं कर सकती हूँ। माकी कहता है कि यू तुम भी सेम मेरे जैसे ही हो, एंड यू कहती है कि क्या तुम भी माकी। फिर माकी कहता है कि जब भी मैं किसी को प्यार करते हुए देख रहा हूँ तो मुझे लगता है ये काफ़ी वंडरफुल चीज़ है एंड मैं उसे समझता भी हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ अभी प्यार में नहीं घिरा हूँ, मतलब कि मुझे किसी के लिए अभी तक फीलिंग नहीं आई है। कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जैसे तुम कोई मूवी या फिर कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, एंड माकी कहता है कि सही कहा, जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि वो मेरे वर्ल्ड का एक पार्ट है। फिर यू कह रहे कि तुम्हें लगता होगा कि तुम अकेले हो, एंड फिर माकी कह रहा है कि ऐसा नहीं है, मैं दूसरे लोगों को दूर से ही देख के इंजॉय करता हूँ, क्या तुम अकेली हो कोई तो साथ। एंड फिर यू कहती है कि मैं पहले थी, मैं सोचती थी कि मैं कैसी वियर्ड पर्सन हूँ जो किसी को भी प्यार नहीं दे सकती है, मैं भी दूसरे जैसा बनना चाहती थी। एंड माकी कहता है कि अभी तुम कैसा फील करती हो, एंड यू कहती है कि मुझसे नानामी ने कहा था कि मैं जैसी थी वो मुझे वैसे ही पसंद करती है, मैंने सोचा कि मैं उसे वैसी फीलिंग कभी भी रिटर्न नहीं दे सकती हूँ, लेकिन उसने मुझसे यही कहा था, एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझसे बातें करने के लिए थैंक्स, मुझे अपने जैसे किसी से बातें करके काफ़ी अच्छा लगा, अब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं खुद को फोर्स कर रही हूँ लव में, एंड फिर यहाँ से जाने लगती है। एंड माकी कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरी जैसी हो, क्योंकि जैसा फेस तुमने बना है उसे देख के कह सकता हूँ कि तुम अकेली हो। अब यू ग्राउंड में जाती है एंड फिर उसे ननामी मिलती है जिसे वो हाय कहती है, एंड ये सोचती है कि उसे रिवॉर्ड चाहिए, एंड ये चाहती है कि मैं वो करूँ। आगे माया को आई होती है एंड फिर वो सायका से मिलती है एंड कुछ बातें करती है, एंड ये हकोजाकी को चीयर अप करने आई होती है। उसके बाद सायका ननामी के पास जाती है एंड माया को समझ जाती है कि ननामी वही लड़की है जिसे सायका पसंद करती है एंड उसे प्रिटी कहती है। नेक्स्ट सीन में ननामी सबको चीयर अप कर रही होती है एंड कहती है कि आज हमें जीतना ही है, एंड यू एंड सायका कहते हैं चाहे हम कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन हम एथलीट क्लब से तो कभी भी नहीं जीत सकते हैं, एंड ननामी उन्हें कहती है कि तुम जीतने से पहले ही हार मान जाते हो जिसकी वजह से तुम कभी भी फाइट में नहीं उतर सकते हो। फिर यू कहती है कि तुम समझ नहीं रही हो कि हम क्या कहना चाहते हैं, वैसे तुम जीतने पर इतना जोर क्यों लगा रही हो। एंड ननामी कुछ कहने जा रही होती है तभी यहाँ पर सेरिजावा नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि ननामी की कंपटीटर होती है, एंड इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है कि कौन जीतेगा। और यहाँ पर यू के पास अकारी भी आ जाती है एंड वो कहती है कि हमारे कैप्टन को हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यू कहती है कि मुझे तो वो दोनों अच्छे दोस्त लगते हैं, एंड फिर अकारी कहती है कि मैंने सुना है कि ननामी की वो क्लास में कंपिटिटिव थी। फिर यू कहती है कि तुम कौन से नंबर पर हो, एंड अकारी कहती है कि तीसरे नंबर पर, एंड यू कहती है कि मैं भी, एंड अकारी कहती है कि मुझे तो चौथे नंबर पर रहना था। एंड तभी यहाँ पर जिसे अकारी पसंद करती है वो आके ननामी एंड सेरिजावा से कहता है कि तुम दोनों का हो गया, एंड फिर अकारी कहती है कि मुझे उसे बॉटम पास करना था। सेरिजावा कहती है कि एनिमे से बात मत करो, एंड ननामी भी यही बात यू से करती है, एंड फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ननामी कहती है कि हम उन्हें धूल में मिला देंगे, एंड फिर रेस शुरू हो जाती है। यहाँ पर कमायो यू को बेस्ट ऑफ लक कहने आई होती है जिस पर अकारी कहती है कि मैं जो भी कहो, एंड ये कहती है कि तुम ऑलरेडी फास्ट हो तो तुम्हें मेरी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। फिर अकारी यू को अपने पास बुलाती है एंड माकी दौड़ रहा होता है जिसे ननामी चीयर अप कर रही होती है, कहती है कि हमें रिले जीतना है, एंड फिर अब यू भी दौड़ने लगती है एंड माकी उसे बॉटम दे देता है। फिर ननामी यू का नाम लेके उसे चीयर अप कर रही होती है एंड फिर यू अपना पूरा जोर लगा के अपना बॉटम सायका को दे देती है। फिर सायका ननामी को बॉटम देती है एंड फिर ननामी जोर से दौड़ती है, एंड बाद में इन दोनों को अपनी सारी मेमोरीज भी याद आने लगती है। हम देखते हैं कि ये लोग रेस हार गए होते हैं। ननामी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है एंड फिर माकी कहता है कि हम सब ने काफ़ी अच्छा किया है, हम सब ने मिल थर्ड नंबर की पोजीशन अचीव की है, एंड फिर ननामी कहती कि सही कहा, तुम सबने काफ़ी अच्छा काम किया, एंड तुमने भी यू। यहाँ पर सारे जावा आ जाती है एंड ननामी कहती है कि अगली बार हम तुम्हें ज़रूर हरा के रहेंगे, एंड फिर इन दोनों की बहसबाजी फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन यू ननामी को देख के एक स्माइल करती है। अगले सीन में यू चुपचाप बैठी हुई होती है एंड कमायो कहती कि क्या हुआ, एंड यू कहती है कि कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। हम देखते कि हाकोजाकी को मैसेज आया होता है माया को का कि वो उसे रिसीव करने आई है, एंड फिर हाकोजाकी उसे बाहर खड़ी हुई देखती है एंड अपना गुस्से वाला मुंह बनाती है।
अगले सीन में स्टोर रूम में ननामी कह रही होती है कि जल्दी मुझे अपना रिवॉर्ड चाहिए। एंड यू कहती है कि मैंने कहा था कि स्पोर्ट डे खत्म हो जाने पर। एंड फिर वो कहती है कि ठीक है। ननामी कहती है कि जल्दी जल्दी मुझे वेट मत करवाओ, मुझे अपना रिवॉर्ड चाहिए। एंड यू कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। ननामी नीचे बैठ जाती है एंड अपना क्यूट फेस बनाती है। फिर यू भी उस पर बैठ जाती है, फिर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा था कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, लेकिन क्यों, कुछ है जो कि मुझसे कह रहा है कि मुझे अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। एंड फिर ननामी कहती है कि क्या हुआ। एंड यू कहती है मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, फिर भी मैं तुम्हें किस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ अभी। फिर ननामी कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था, लेकिन अब तुम प्रॉमिस तोड़ रही हो, जिसकी वजह से एक्सचेंज में मैं तुमसे वो ले रही हूँ जो कि मैं चाहती थी। एंड फिर यू को किस कर लेती है। ये किस यू को कंफर्टेबल नहीं आता तो सो वो हट जाती है एंड कहती है कि ननामी सेनपाई। फिर ननामी कहती है कि अगर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो मैं रुक जाती हूँ। फिर यू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मुझे ये अच्छा लग रहा है। एंड ननामी कहती है कि क्या तुम सच में सीरियस हो। एंड फिर यू कहती है कि हाँ। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं जोर से। एंड फिर अब यू कह रही होती है कि वो सबसे अच्छे से बात करती है बिना कुछ रिटर्न के चाह में। एंड वो सबको अच्छे से ट्रीट करती है, उसके आंख, उसके बाल, उसके स्किन एंड उसकी आई लेसेस, वो सब उसके नेचुरल पार्ट है। समझने के लिए उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। धड़कन को सुन पा रही हूँ जो कि मेरी खुद की नहीं है, वो बस बीट कर रही है। एंड इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर गाइस तुमको इसका ये सीन देखना है तो जाके देख लेना, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल था सीन। तो वेल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।